Jai Jinendra. Tamne saune mara pranam. Param pujya, Rashtra Sant, Jain Dharm ke Pratik, Gurudev, Padam Sagar ji Maharaj ko, main koti koti pranam karta hoon, aaj aapke janm din par. हमारी भाषा में कहें तो नए पद्म सागर जी महाराज, जिनके संपर्क में कुछ सालों से रहने का मेरा सौभाग्य रहा है, वो मेरे लिए स्टार हैं. और गुरु के गुरु तो सुपरस्टार हैं. कुछ बातें रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने. हम पंजाबी हैं, क्षत्रिया हैं, और पीढ़ियों से हमारा इतिहास हम कलम से नहीं, तलवार से, रक्त से लिखते आए हैं. और हम अपने आप को वीर मानते हैं, वीर मानते हैं. लेकिन मैं जैन धर्म से, जैन गुरुओं से, संस्कृति से इतना प्रभावित हूं कि मुझे बहुत जल्द ही समझ में आ गया कि वीर तो ठीक है, तलवार वाले वीर ठीक है, बिना तलवार, बिना रक्त बहाए, किसी को हानि न पहुंचाते हुए, खासकर मंच पे बैठे हुए ये सारी विशाल पुण्यात्माएं, साध्वी, ये सभी जो अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं धर्म के काम के लिए, समाज के काम के लिए, निस्वार्थ भावना से परिपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, मेरे अंडरस्टैंडिंग में अब मुझे ऐसे लगता है कि ये वीरता है और ये महावीर है. और मैं एक बात खुशी की बताना चाहता हूं, वैसे तो जैन समुदाय माइनॉरिटी है, अगर सेंसस रिपोर्ट में देखें तो माइनॉरिटी है, लेकिन मेरी खुद के अनुभव के हिसाब से जहां आप कोई अच्छा सामाजिक कार्य हो, जहां निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा हो, जहां कोई पॉजिटिव काम हो, वहां पे ये जैन समुदाय हर जगह मेजॉरिटी है. और ये सत्य है, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये सत्य है. तो बस यही कहना चाहता हूं कि आपकी सोच, आपके विचार ये धन है, और इस धन का मैं लाभ उठा रहा हूं, उठाना चाहता हूं. हमने जब नरेंद्र भाई के शासन में सोचा कि एक प्रोजेक्ट करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, तो हमने सोचा है कि गुजरात का सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट करेंगे, टाउनशिप बनाएंगे, तो द गोवा के नाम से हमने शुरू किया. लेकिन जहां पर हमने गणेश जी का मंदिर बनाया, उसके बिल्कुल साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट थी इनसे कि एक जैन डेरा सर हमको बनाना है. और गुरुदेव, अब वो तैयार हो गया है, छोटा है, सुंदर है, लेकिन आपके चरण, आपका आशीर्वाद पड़ेगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा डेरा सर हो जाएगा. तो मेरी आपसे विनती है कि मुझे सेवा का मौका दीजिए. और जन्म से तो मैं जैन नहीं हूं, लेकिन कर्म से जैन बनने की कोशिश कर रहा हूं. प्रणाम.